तो गाइस, मैं आपका भाई माली राजवीर वेलकम करता हूँ अपने माली राजवीर ब्यूटी टिप्स स्टूडियो 786 में। तो आज हम बताने वाले हैं फिंच का ब्रीडिंग प्रोग्रेस। जी हाँ, बजरी का तो हो ही नहीं रहा हमारे वहाँ। एक क्लच हुआ, वो मैंने सेल आउट कर लिया, ये वाला मेल का, ये वाला फीमेल का। अभी दिखाता हूँ फिंच का ब्रीडिंग प्रोग्रेस। तो चलो, ये कुछ फिंचिस अपनी दिखा दो। चलो देखते हैं इसको क्या रिजल्ट आता है। मैंने नहीं देखा अभी तक। वो तो गाइस 3-1 ले कर दिए है हमने। तो गाइस कितने अंडे थे? 3? ये तो बहुत कम है यार, क्योंकि मेरे पार्ट फीडिंग फार्म पे तो 8-8-9-9 अंडे निकलते हैं। यहाँ पे कौए सब अभी सारी जन में भी बता देता हूँ आपको, क्योंकि मैंने इसको नेस्टिंग मटेरियल दे दिया तो फट से एक ले कर दिया इसने। देखा था आपने, अभी तो 15 दिन भी नहीं हुए मेरे वहाँ रह के, और ये भी मैंने कुछ बनाया डिश में। इसमें मैं फिंच का मतलब कॉलोनी बनाने वाला हूँ, ये वाली बजरी का, और इसमें फिंच छोड़ देगा अपन। देखिए इसका खर्चा हुआ है 100 रुपीज़। देखो ये रहा कुछ गेट अपना, ये अंदर अंदर की तरह खुल जाता है, बाहर के इधर नेट लग जाएगी, इधर नेट लगेगी, सब जगह नेट ही नेट लगेगी। और तो और मेरे फिंच को हमने ब्रीडिंग फार्मूला नहीं दिया, एक बॉइल करके दिया है, बेड़ा दिया है, वो मुंह आता है वो दिया है, और तुलसी पत्ता दिया है मैंने, दिखा था वो भी मैं तुलसी पत्ता। ये रही कुछ तुलसी पत्ता, और ये वाली नेट है, ये ही लगाने वाला हूँ मैं यहाँ पे, और मार्केट से 200 रुपये की और परचेस करके लेके आऊँगा मैं। तो ये वीडियो यहाँ तक थी। आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपके काफ़ी सारे दोस्तों में शेयर कीजिए यार, शेयर तो कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब तो करा ही मत आप, क्योंकि करते ही नहीं हो आप। यार अभी हम क्या करें, इतना तो कर रहे हैं ना तुम्हारे लिए, इतना तो कर रहे हैं। और एक बात बता दो, चलो ये देखिए, मक्का दे दिया है मैंने, कटल बोन दे दिया है मैंने, ये कंगनी दे दिया है मैंने, पानी अभी रखा है। देखो ठंडी के सीजन में फिंच को रात को पानी निकाल देना चाहिए, क्योंकि रात को आप पानी रख छोड़ोगे तो सुबह पी लेगी, वो ठंडा पानी होगा रात में, अक्खी रात में वो ठंडा हो जाता है पानी। और जो बजरी का चल जाता है कोई बात नहीं, तो फिंच का यार थोड़ा ऐसा देखभाल कर लेना, तब क्या ब्रीडिंग होगी ये होगी, उतना मैं लिख के देता हूँ, लिख लिया। चलो